संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पास होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने वाले कानून बनाने में सफलता पा ली तो निश्चित रूप से ये बड़ी उपलब्धि होगी। दरअसल महिला आरक्षण की मांग दशकों पुरानी है और इस दिशा में विभिन्न सरकारें प्रयास भी कर चुकी हैं। वर्ष 2010 में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पास भी हो गया था, लेकिन बात आगे बढ़ नहीं सकी। उससे पहले विधेयक को 1998, 1999, 2002 और 2003 में बार बार संसद से पारित कराने के प्रयास हुए थे। महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। मॉनसून कहर बरपा रहा है, जानते हैं तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का सवाल बड़ा। वर्तमान लोकसभा में 78 महिला सदस्य चुनी गई, जो कुल संख्या 543 के 15% से भी कम है। बीते साल दिसंबर में सरकार ने जो आंकड़े संसद में साझा किए उसके मुताबिक राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करीब 14% है। इसके अलावा 10 राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। महिला आरक्षण विधेयक सबसे पहले 12 सितम्बर 1996 को संसद में पेश किया गया था। ये विधेयक HD देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित करना है। आरक्षण मानदंड बिल के अनुसार सीटें रोटेशन के आधार पर आरक्षित की जाएगी। सीटों का निर्धारण ड्रॉ द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि प्रत्येक 3 लगातार आम चुनावों में एक सीट केवल एक बार आरक्षित की जाएगी। वाजपेयी सरकार ने लोकसभा में इस विधेयक को आगे बढ़ाया, लेकिन ये फिर भी पारित नहीं हुआ। कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA एक सरकार ने मई 2008 में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए फिर से विधेयक पेश किया। विधेयक 9 मार्च 2010 को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया, लेकिन लोकसभा में इसे पेश नहीं किया जा सका। 2014 और 2019 में BJP ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा किया, लेकिन इस मोर्चे पर कोई ठोस प्रगति नहीं की। 10 मार्च 2023 में भारत राज समिति यानी BRS की नेता के कविता ने महिला आरक्षण विधेयक को जल्दी पारित करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले सरकार महिला आरक्षण को लेकर ठोस कदम उठाने के पक्ष में है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया TV।